6000 प्लस पेट्रोल महीने बचा सकते हो एंड क्या बोलते हैं इसके सर्विस के लिए कर ले सकते हो बाकी जो। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आपने ज्यादा थंबनेल देखा कि मैं आज किस बारे में वीडियो बना रहा हूँ, तो हाँ बिल्कुल उसी बारे में वीडियो बनाऊंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो गाइस सबसे पहले आप लोग व्यू लोगे या फिर KTM की बाइक लोगे उसकी डिसएडवांटेज क्या है? पहली डिसएडवांटेज है कि वो है जो कि काफ़ी मतलब उसके जो पार्ट्स होते हैं वो काफ़ी मतलब कि कॉस्टली होते हैं, मतलब कुछ होते हैं हद तक कॉस्टली होते हैं, मतलब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, मिडिल क्लास का बंदा कि हाँ भाई मैं अफोर्ड करता हूँ, क्योंकि इसके पार्ट्स मतलब हर तरह के, मतलब हर 6-7 महीने में कोई ना कोई पार्ट खराब होता रहता है, 6-7 महीने में क्या कभी 2 ही महीने में खराब हो जाता है, कभी 1 महीने में। तो जैसे कि मेरा ये आपने पहली वीडियो देखी होगी, मेरा ये क्या बोलते हैं पीछे वाला शॉकर जो था पहले जो खराब हो गया था, तो इसका कॉस्ट मैं पहले बता देता हूँ। जो इसकी कॉस्ट है करीब 6-7 हज़ार रुपये है इसकी कॉस्ट, अगर आपका खराब हो गया, अगर वारंटी में ना हो तो। मेरी वारंटी में था तो चेंज हो गया। ये है पहली डिसएडवांटेज इसका माइलेज, और जो माइलेज है जो सेकंड है इसका माइलेज अगर आप लोग सोचते हो डेली रोजमर्रा कि आप लोगों ने जाना हो कि हाँ कभी ऑफिस जाना हो कभी कहीं जाना हो, तो आप लोगों के लिए ऑफिस के लिए नहीं है। अगर आपने कभी लंबी टूर पे जाना है या फिर मतलब घूमने के लिए कभी कभी जाना है तो बाय कर सकते हो। बाकी क्या बोलते हैं जो इसकी माइलेज निकलती है, अगर आप कैसे भी माइलेज निकालो, अगर आप डेली मतलब ऑफिस भी जाओगे या कॉलेज जाओगे स्कूल जाओगे इस बाइक को लेके, तो आपका महीने का खर्चा कम से कम तो 6000 लगना ही लगना है, इतना है पहला। ये दूसरी डिसएडवांटेज है इसकी। और तीसरी डिसएडवांटेज है जो कि है इसकी सर्विस, एंड जो सर्विस है इसकी पहली 3 सर्विस आपको फ्री मिलती है, और 3 सर्विस के बाद जो आप लोग फेज करवाओगे सर्विस, जो इसके पार्ट्स होंगे वो काफ़ी मतलब कि महंगे होंगे, एंड सर्विस भी इसकी कॉस्टली है। जो इसका इंजन ऑयल आता है वो करीब 1600-1700 रुपये प्लस आता है GST के साथ लगा के, तो इसका सब कुछ मतलब चीज़ें महंगी है। ये जो इसकी सर्विस भी मतलब वो भी कॉस्टली होती है, क्योंकि आपकी 2000 के अंदर में होती है, बस 2-3 सर्विस होगी 2000 के अंदर, बाकी उसके बाद से आपकी 2500 से कम लगेंगे नहीं पैसे सर्विस में। और बाकी जो स्प्लेंडर छोटी बाइक होती है उनकी कितनी 500-600 की सर्विस हो जाती है, तो इसमें एक फर्क उस बाइक में एंड इस बाइक में ये फर्क है। ये है तीसरा डिसएडवांटेज। एंड चौथा जो डिसएडवांटेज है इसकी बैठने की, पिलियन वाली जो सीट है वो कंफर्टेबल नहीं है, जो पिलियन सीट है ना इसमें कंफर्टेबल है ना RC में कंफर्टेबल है, वो मतलब पिलियन में जो पीछे बंदा बैठेगा उसकी मतलब बैक दर्द होगी, वो ये काफ़ी हार्ड हो जाती है काफ़ी दो देर पर बैठने में, तो ऐसा लगता है कि पत्थर पे बंदा बैठा हुआ। तो ये है चौथी डिसएडवांटेज जो है कि। एंड जो पांचवी डिसएडवांटेज है वो जो कि इसके टायर है, जो इसके टायर आगे वाला दे सकते हो, मेरा टायर अभी ज़्यादा बाइक चली भी नहीं और इतना टायर मेरा मतलब ख़त्म हो चुका है, एंड पीछे वाला जो मैंने अभी कम से कम 2 महीने हुए और आधा खड़े लगभग ख़त्म हो चुका है ऐसा लग रहा है कि टायर, कि बस इसके टायर बहुत जल्दी घिस जाते हैं, क्योंकि इसके टायर जो रेडिएट होते हैं तो पूरा मतलब रोड चिपक के चलते हैं, पकड़ के चलती है, तो इस कारण इसके टायर बहुत जल्दी खत्म होते हैं। उसके टायर भी सस्ते नहीं आते हैं, वो भी मैं जो मैंने पीछे से लगवाया था जो टायर वो कल 6100 रुपये का लगवाया था जब मैं केदारनाथ गया था, वहाँ पर 6100 का मिला, चंडीगढ़ में करीब मेरे को 4500-5000 तक का मिल जाता टायर, वहाँ मेरे को कॉस्टली पड़ा। तो ये सब है इसकी मतलब इसकी सर्विस आपको देख सकते हो कि बहुत महंगी होती है। अगर आप लोग इतना उठा सकते हो तो आप लोग एक बाइक ले सकते हो Dip 250, एंड इससे ऊपर भी वेरियंट अगर इसका खर्चा उठा सकते हो तो ले सकते हो। बाकी ये है महीने में आपको 6000 पेट्रोल के, और क्या बोलते हैं 3 महीने में आपको 3000-4000 सर्विस के इसके लगाने पड़ेंगे, और बाकी कभी कभी इसका एक्स्ट्रा भी चार्जेस हो जाता है। तो बाइक एक बार मेरा ऐसे ये लीक हो गया था, अंदर का मेरा कूलेंट इसमें मिक्स होने लग गया था इंजन ऑयल में, तो उसमें भी मेरे 5-6 हज़ार लग गए थे आपको, जैसे पिछली वीडियो में आपने मेरी देखी होगी। तो यही सब है इसके डिसएडवांटेज। बाकी अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग 6000 उसके पेट्रोल के महीने से 6000 प्लस पेट्रोल महीने बचा सकते हो एंड क्या बोलते हैं इसके सर्विस के लिए कर ले सकते हो, बाकी जो मतलब मिडिल क्लास होते हैं इनकी मतलब इतने वो मिडिल क्लास है फैमिली है उनकी मतलब की ड्रीम बाइक होती है सब, तो उनके लिए भाई ले सकते हो, मगर अगर अफोर्ड कर सकते हो तब ले लेना, बाकी मैं इतना आपको रिकमेंडेड नहीं करूँगा। अगर आपने नॉर्मल पे जाना, बाकी राइड पे जाना हो तो राइड के लिए बेस्ट बाइक है, मतलब जैसे कहीं दूर के लिए जाना हो तो दूर के लिए मतलब आपके पास होनी चाहिए 2 बाइक, एक नॉर्मल होती है राइड के लिए, नॉर्मल घर के लिए घर रोजमर्रा के काम के लिए होना चाहिए, एंड एक राइडिंग बाइक होनी चाहिए जो कि ये है। तो ऐसे ही होना चाहिए आपके साथ पैसे बचाने के लिए। अगर आपके आपने एक ही बाइक से दोनों काम करने हैं, मतलब कॉलेज स्कूल ऑफिस जाना है या फिर बाइक के साथ आपने जाना हो, तो एक 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 आपको काफ़ी महंगा पड़ 7-8 हज़ार आपकी मतलब 20,000 सैलरी है, उसमें 7-8 हज़ार पेट्रोल का निकाल देना एंड बाकी उसके सर्विस का निकाल देना, तो आपको कितने बचेंगे? तो मैं आपको सीधे सीधे बात बताऊंगा, जो बात है मैंने बता दी, बस यही था। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, बाकी चैनल पर जो नए जो सब्सक्राइब करता है मिलते हैं अगले किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।